लो जी यार, ये मछलियाँ वगैरह तो हमने सारी ले ली हैं। जो पूरा नॉर्मली होता है ना, वो कम से कम इतना एक बड़ा होता है, लेकिन ये क्या है? जैक किधर है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज आप ये देखो, एक बाइक के ऊपर ये तीन बंदे बैठे हुए हैं। हम शदीद गरीब है तो यार, ये तो वैसे बड़े अफसोस की बात है ना। आप सब लोग व्लॉग देख लेते हो बड़े मजे से, मगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, ये फिर गलत बात है। आज व्लॉग आप लोगों ने नहीं देखना, पहले लाइक सब्सक्राइब करो। यार आए तो हम इधर को और काम थे, मगर रस्ते के अंदर ये देखो हमें मछलियां नजर आ गई है। मूसा भाई भी मछलियां देख रहे हैं। जिब भाई, आपको कोई पसंद आ रही है इसके अंदर से? यार ये पसंद तो मुझे सारी है, लेकिन ये छोटी है ना, गोल्डफिश तो वो खा जाएंगी इनको। तो कुछ नहीं, अपना लेके तो जा सकते हैं। हाँ, वैसे उनकी पीठ भी तो आखिर मछलियों से बनी हुई है यार। हाँ, ये वाली ले जाते हैं सिर्फ वाली। हाँ, ले लेते हैं। यार ये मछलियों का एक पैकेट कितने का है? 50 रुपए का। क्या बोला तूने? लो जी यार, ये मछलियाँ वगैरह तो हमने सारी ले ली हैं। अब ऐसा करते हैं, चलते हैं उधर जो हमें एक ज़रूरी काम था। आए हाय हाय हाय। तो यार हम आ गए हैं उस जगह के ऊपर जिधर हमने जेबी भाई कह रहे थे कि आपको लेके आना है। अब देखो क्या होता है। ये देखो जी, मीट डेंजो एंड ओरियो। ये डेंजो ओरियो है गाइस, और ये पूडल भाई कितने प्यारे लग रहे हैं यार, ये छोटे छोटे से। अच्छा गाइस, ये पूडल्स हैं, लेकिन इनको मिनिएचर पूडल्स कहते हैं। जो पूडल नॉर्मली होता है ना, वो कम से कम इतना एक बड़ा होता है, लेकिन ये क्या है, उसके मुकाबले छोटे हैं। जैसे हमारे बेंटम्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बेंटम्स जो ब्रामा होता है वो बड़ा होता है, लेकिन होता है, और ये उन्हीं का छोटा जो है ना। हाँ, छोटा वर्जन है। देखो कितनी प्यारी है। हेलो ओरियो, हाथ लगाने दे रही है मुझे। ये फ्रेंडली है, बहुत प्यारे हैं यार। तो यार अब ऐसा करते हैं, इनको छोड़ते हैं, इन दोनों को अंदर, और हम चलते हैं एक और जगह पे। और यार वो दूसरा काम जो हमें है ना, वो ये है कि हमने जाना है हैचरी के पास। ओ भाग गया एक पूडल, अंदर भाग गया उधर। वो दूसरा भी जा रहा देखना। यार ये देखो, बिल्ली के पीछे बिल्ली जितना खुद भाग गया। अच्छा जेब भाई, ये बिल्ली को मार सकते हैं? वेल बिल्ली, टेक्निकली स्पीकिंग बिल्ली भी शायद इसको मार सकती है। अच्छा यार, दूसरा काम जो हमें है ना, हमने जाना है हैचरी वाले के पास, और जाके ना उधर से अपनी हैचरी का पता करना है, क्योंकि इतने दिन हो गए तकरीबन मूसा भाई, दो महीने हो गए और उस बंदे का अभी तक कोई रابطہ नहीं है। कुछ ना फोन उठा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। मूसा भाई ये छोड़ो, ये बताओ कि क्या करना है अब उसके बाद चलते हैं उनसे जाके पूछते हैं कि यार क्या सीन है भाई, हमारी हैचरी दे दो, हमारे अंडे आ रहे हैं। ले जो जरा ये मछलियों वाले के पास ले जो, एक दफा सामने मछलियों वाला पास। आज इसके साथ जाके दो दो हाथ होने, आज हम इसे मेक ट्रेड करते हैं, बिजनेस करना है इसके साथ, बिजनेस। रुको मूसा भाई रुको। अस्सलाम वालेकुम, दिखाओ। चोई साहब, तोड़े तो लइया ने 50 रुपए दिया, तुम साढ़े को ले लो 100 रुपए। 100 रुपए की ले लिए? 100 रुपए साढ़े हाथ लग गए ने ना इस वास्ते। क्या कर रहे हो, छोड़ दो यार। ये क्या बात हुई यार, कभी कभार तो बिजनेस करना होता हमने। मूसा, इस बिजनेस रवि भी तो 50 रुपए की लेके 100 रुपए की उनसे ले रहे हो। थोड़ी देर हमने रखी नहीं है, बड़ी हो गई है ना वो उतनी देर में। तो कम है उनके पास आ गई। हां इतनी बड़ी हो गई है ना। मूसा भाई, हेलो, मोड़ो जल्दी मोड़ो यार, बड़ा जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है, जल्दी मोड़ो, पीछे कोई चीज नजर आ गई है, जल्दी। मूसा अभी तक इधर ही है। मूसा भाई वो चला जाएगा, जल्दी कर लो, जल्दी। गाड़ी भगाओ। क्या हो गया? जल्दी भगाओ। एमरजेंसी ब्रेक है। बस। ये नान वाला खड़ा है, नान खा के आया, बैठो इधर। हम इतनी दूर से हैं, नान वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा, टाइम आउट हो चुका, इसलिए दिल के अरमान को में बैग सेम। वो पीछे डांस कर रहा, देख रहा भाई। एक समोसा ही खाना पड़ेगा, वो तो है नहीं। हां, ये गांव में मेले वाली याद करवा दी, कागज पे रख के। जैसी है आदतें आज, दे दो यार। इसके अंदर होता क्या था, वो इधर अंगूठा मार के ना इसके अंदर चटनी डाल के फिर देते थे ऐसे। जमाना बदल गया अब, बहुत हाइजीनिक नहीं था वो, लेकिन टेस्टी जरूर था। आधे घंटे की फुल मेहनत के बाद कमर टूट चुकी है, फाइनली घर आ गया वो भाई का। ओए हाय, चलो चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल अंकल जी? क्या हाल सर जी? आपको कुछ टाइम पहले हमने एक चीज दी थी बनवाने के लिए। जी। तो वो कब तक हो जाएगी तैयार? बस अब 5-4 दिन तक हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। तैयार है आपका?
तो क्या वजह थी इतना लेट हो गया? वो घर की वो कंप्लीट कर रहे थे, इस वजह से जरा हुआ। तो कम से कम अभी हमें कितना टाइम और सबर करना पड़ेगा? 5 दिन सिर्फ 5 दिन। चलो जहाँ इतना टाइम हमने वेट कर लिया उधर 5 दिन और कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है इसका कोई। लेकिन अभी भाई जरा जल्दी कर दीजिएगा क्योंकि हमें ना अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, अब सीजन आने वाला है, अंडे हमारे पास धड़ाधड़ आ रहे हैं। तो यार हम अभी अभी भाई के पास से आ गए, मगर भाई का सिर्फ एक ही कहना है और वो ये है, तारीख पर तारीख मिली है तो सिर्फ ये तारीख। तो यार जरूरी तो नहीं ना कि बंदे को दिन में सिर्फ 2 काम ही हो, कभी कभार 3 काम भी तो पड़ जाते हैं ना। अब ऐसा करते हैं, इधर से सीधा चलते हैं सनाउल्ला भाई की शॉप पे और उधर जाके ने चीज लेनी है और वो फिर वहीं जाके आप लोगों को दिखाती है। हाय 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 हाय, तो हम आ गए हैं पाकिस्तान के नंबर 1 दुकानदार के पास। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाओ। ये बेचनी है हमने, ये 250 की खरीदी है हमने, आपको 300 की बेचनी है। लोगे डन हो गया सर, डन हो गया, लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। ओके ही जस्ट शुक ऑन इट। वैसे 50 की खरीदी हमने, आपको 300 की दी है। तो यार सनाउल्ला भाई के पास हम आ गए थे और सनाउल्ला भाई ने हमें जो देना था ना, वो इस केज के अंदर एक कॉकटेल की बच्चा था, इतना सा बच्चा था। और वो सनाउल्ला भाई किधर गया? अरे भाई आपने अगले दिन आना था, आप तो 3-4 दिन के बाद आए हो, तो कुछ भी नहीं हो रहा कुछ, इसलिए ना लेट हो गया, तो वो तो मैंने फिर दे दिया किसी को। ये क्या बात हुई है, पता हम 2000 किलोमीटर दूर से सफर करके इधर आया। शाजिल मेरी बात सुनो। हाँ जी। इनका भाई इनका एक नंबर बढ़ा दो, ये पाकिस्तान के नंबर 2 दुकानदार है। दो नंबर दुकानदार। जे भाई एक चीज और आपको दिखानी है मैंने, मूसा भाई इधर आओ, इधर आपने अब दूर रहना है। क्या वायरस हो गया जी? प्यारे भाई मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, आ जाए दिखाता हूँ, और भी बच्चे पड़े हैं पैरेट्स के। हाय हाय हाय, ऑस्ट्रेलियन तोते, मैं पाल लेता हूँ। मैं एक मिनट इसके फ्लैश ऑन कर लूँ ताकि हम बच्चे देख तो लेना है कौन से। चलो चलो फ्लैश ऑन हो गया, वो सामने देखें, ये मदर फीड करवा रही है, ये देखें इसके अंदर देखें, ये मदर बच्चों को फीड करवा रही है। और एक वो देखो फीड करवा दी है, दोनों के अंदर ही बच्चे हैं, मगर हम नहीं पाल नहीं सकते, थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? वो ये वाले तो बिल्कुल भी नहीं पाल सकते क्योंकि ये तो बिल्कुल इतने इतने से है। इस वाले कुज्जे के अंदर एक बच्चा इतना बड़ा है, वो हम पाल सकते हैं, पाल जाएगा, वो पाल सकते हैं। शाजिल जरा निकाल ला इसको, वो ही निकालने लगा हूं, ये जरा वो हो जाए, ये खोलो पूरा नहीं गिर ना जाए शाजिल, ये खोलनी पड़ेगी नहीं तो दोबारा भी लग जाएगा। हां ऐसे, ओके ओके, उड़ तो नहीं जाएंगे हैं? ओए इतना बड़ा बच्चा है गाइस, ये देखो और कितना प्यारा चोनी पोपो है, गुम गुम गुम, ये हाथ नहीं अंदर जा रहा, ये पल सकता है हाथ पे, ये पल सकता है, तो हम एक ले जाएं, देखता हूँ ना एक मिनट में से कौन सा पल सकता है। गाइस ये देखो, आपको याद होगा हमने अपने चैनल पे भी हमारे पास 3 चूजे थे जो निकले थे उधर हैचरी के अंदर, वो भी इतने इतने से थे, लेकिन यार इतना छोटा नहीं हम लेके जाते, पहले भी हमने जो हम जो लेके आए थे ना गाइस वो मर गए थे, तो यार हम कम से कम इससे तो बड़ा लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे ये वाला और इसको मैं इजीली पाल सकता हूं। हां ये सही है, ये सही है, इसको पाल सकता, ये पाल सकता है और ये हैंड टेम भी हो जाएगा, हैंड टेम तो करना है। और गाइस हम इसको आपको हैंड टेम करके दिखाएंगे। मूसा भाई अब इसके लिए एक चीज जरूरी है, बॉक्स या कोई ऐसा डब्बा जिसके अंदर इसको बाहर की हवा ना लगे, क्योंकि हवा वो फिर हमें हमारे पास अभी तो अवेलेबल नहीं, अभी इसको इधर रख देते हैं, कल हम इसको आगे ले जाएंगे। चलो ऐसा ठीक है, चलो यार इनको अंदर हम लगा देते हैं। चलो यार शादी इसको जल्दी जल्दी बांध दो फिर घर चलते हैं, घर जाके भी अपने चूजों का जरा हाल हवाल पूछें यार, हैं जैकी को भी नहीं खाना दिया। गाइस बस अब क्या करते हैं, घर की तरफ चलते हैं और हम आपको अपने पेट सिखाते हैं। नहीं जी का होम स्वीट होम, अंडा दिया हुआ है। अच्छा गाइज अब ना यार बहुत ज्यादा अंडे दे रही हैं चूजली की, जो दोनों मिसेज है ना दोनों की दोनों अंडे दे रही हैं, कल भी मैंने 2 अंडे उठाए, आज फिर एक और अंडा आया, दिखाओ ये देखो हमारी चूजली सेम साइज है, काफी हाँ सेम टू सेम है, बस फर्क ये भाई खुश हो रही है कि हम आ गए हैं
क्योंकि सुबह के हम गए हुए थे और अभी आए हैं। और साशा जो है ना, साशा मिस बहुत ज्यादा करती है साशु। जो चूजली के अंडे ना बिल्कुल अलहदा रख रहा हूँ, ये कल दो अंडे उतरे हैं और इसके ऊपर देखो CL लिखा हुआ है। इसके ऊपर जेवी भाई CL लिख दो आप, ये लो। हाँ, ये हमारे दूसरे मॉटलेट के अंडे हैं। क्या लिखना है? CL लिखना आपने इसके ऊपर। ये मुझे तो खा दो। हाँ, ये रख लो, ये HG भी रख दो। ओके, जैक किधर है? जैक किधर है? देखो यार, नीचे होगा यार, इधर तो नहीं है। इसके काम देखो, क्या हुआ? ये घुस के इधर पता नहीं कब से बैठा हुआ है। बीठे देखो, इसने कितनी सारी इधर ही की हुई। हाय हाय जैक, तूने क्या, ये देखो बीठे इधर कर रहा है और मेरे को सुबह का इधर बंद है। यस, क्योंकि इसको ये वाला सिंक पसंद ही, इतना इधर ही बैठा हुआ है। यार जैकी, तू क्या हरकतें करता है? कमला हुआ बड़ा है, बोंगा। चलो बैठाओ इसको इधर। देखो, सुबह का उधर बैठा था, आते ही दाने के ऊपर कूद पड़ा है, क्योंकि आप भूख लगी हुई ना बच्चे को। तो यार इसकी भी ना, ये माशाल्लाह से बड़ी हुई, अजीबो गरीब किस्म की हरकतें हैं। टॉयलेट का दीवाना है ये, इनका क्या करते हैं? हाँ, इनको अंदर छोड़ते हैं गाइस। जरा ना मछलियों को ट्रांसफर करते हैं, नहीं अपनी जो मछलियाँ लाए उनको पुरानी मछलियों के साथ छोड़ते हैं जी। हम अपनी न्यू फिशेस को अपनी ओल्ड फिशेस के साथ छोड़ने लगे गाइस। और टू और थ्री, ओ आ गई। और ये खा ना जाए, कितनी फास्ट है ये। हाँ, कितनी तेज है यार, तेज से भाग रही है। अब इन सारों को फीड करते हैं कहीं, यार इनको भूख ना लगी हो। इनको सारे छोटी छोटी जगह है ना, वो देखो छुप रही है, उधर जाके गाइस बैठ गई। देखो फीड डाल देते हैं हम इनको सबको। ओके, ये लो भाई, आ जाओ फिशी। चलो आ जाओ। ये लो, आ गई सारी, खाना खाने लग गई। अभी भाई मूड आउट, उठा लो, आ जाओ। अंडे किधर है? ये लो, ये टोटल अंडे हैं, ये हमने इधर लगाने हैं। पेंसिल भी ले लो भाई, डेट लिखी है ना। पहले मैं लाइट ऑन कर लूं सारी। नहीं, कोई चूजा भी नहीं निकला अभी तक तो। तकरीबन कल भी कोई नहीं निकला था, परसों निकला था, और परसों के बाद अभी तक कोई भी नहीं निकला। आवाज आई है ऊपर से, आई है मगर कहीं ऊपर से आ रही है। नहीं, इधर से आ रही है। क्या ये सारे खराब हो गए? ये 30th वाले जो है ना, वो निकलने चाहिए। ये देखो इसकी ड्रिपिंग हो रही है। हाँ, ये देखो, एक सेकेंड। ये देखो, ये जो है ना, ये उसने चोंच निकाली हुई है अपनी। रुको, 30th वाले जो है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट डेट के मुताबिक है ना। ये देखो ये है जिसमें से आवाज आ रही है, जिसकी मैं बात कर रहा था। अच्छा, हाँ, इसके अंदर से आवाज आ रही थी। तो यार ऐसा करते हैं, जेबी भाई अभी अंडों की कैंडलिंग वगैरह कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करें, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब जरूर करना है।